उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की मुरादाबाद महानगर शाखा का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव समिति की देखरेख में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। महानगर कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए भी 2-2 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। शेष अन्य पदों पर 1-1 नामांकन होने के कारण सभी निर्विरोध चुने गए। वोटों की गिनती के बाद चुनाव संचालन समिति द्वारा नव निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की गई। महानगर अध्यक्ष पद के लिए सीताराम एवं रेखा रानी गुप्ता के बीच मुकाबला हुआ और इस तरह मुकाबले में सीताराम को 153 और रेखा रानी गुप्ता को मात्र 9 मत ही प्राप्त हुए। इस तरह सीताराम ने 144 मतों से शानदार जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला और इस पद पर मंजू गुप्ता को 88 और कपिल गिरी को 66 मत प्राप्त हुए। इस तरह मंजू गुप्ता कोषाध्यक्ष पद के लिए 22 मतों से विजयी घोषित हुई। महामंत्री पद के लिए महिपाल सिंह, उपाध्यक्ष पद के लिए शगुन सक्सेना और संगठन मंत्री पद के लिए मोहम्मद तस्लीम निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। नव निर्वाचित पदाधिकारी को पूर्व अध्यक्ष रामाशंकर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। चुनाव संचालन समिति में डॉक्टर रोहताज राजपूत, एस के जोहरी, दिनेश कुमार ठाकुर और हाजी मुमताज हुसैन अंसारी शामिल रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की महानगर शाखा के लिए चुनाव में कुल 218 मतदाता हैं, उनमें 162 मत पड़े जबकि 8 वोट निरस्त हुए। काफी समय के बाद हुए चुनाव के कारण मतदाताओं में मतदान के प्रति रुचि दिखाई दी। नव निर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। चुनाव प्रक्रिया के विषय में जानकारी देते हुए चुनाव संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर रोहताज राजपूत ने बताया, जी उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का ये चुनाव हुआ है जिला कार्यकारिणी का, क्या परिणाम रहे? ये उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता का महानगर यूनिट का चुनाव हुआ है। इसमें 2 पदों पर यहाँ चुनाव हुआ है जिसमें वोटिंग हुई है। एक तो जिला महानगर अध्यक्ष, दूसरा कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष पद पर सीताराम जी 144 मतों से विजयी हुए हैं, उनको कुल मत 153 पड़े और दूसरे नंबर पर रेखा रानी को 9 मत पड़े, 144 से सीताराम जी विजयी हुए। दूसरा कोषाध्यक्ष पद पर मंजू गुप्ता और कपिल गिरी थे, जब मंजू गुप्ता ने 88 मत प्राप्त किए हैं, कपिल गिरी को 66 मत मिले हैं, इस तरह से 22 वोटों से मंजू गुप्ता विजयी हुए। इसके साथ साथ जो हमारे और अन्य पद थे उसमें महामंत्री पद पर महिपाल सिंह निर्विरोध चुने गए हैं, श्रीमती शगुन सक्सेना उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गई हैं, मोहम्मद तस्लीम ये संगठन मंत्री पद निर्विरोध चुने गए। बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और जितने सस्ता गल्ला विक्रेता थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया और बहुत शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। मैं सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी गठित की है और मुझे उम्मीद है कि नई कार्यकारिणी महानगर में बहुत अच्छा काम करेगी, उससे हमें बहुत संभावना है। बहुत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? मतदाताओं की संख्या 218 थी। कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करा? इनके अतिरिक्त भावना सिंह को जिला महामंत्री मनोनीत किया गया इस समिति ने किया। 218 मतदाताओं में से कितने मतदाताओं ने? 162 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। नव निर्वाचित अध्यक्ष सीताराम और महामंत्री महिपाल सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि वो राशन विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। राशन विक्रेताओं की जो भी समस्याएं हैं उनसे शासन और प्रशासन को समय समय पर अवगत कराने का प्रयास करेंगे। जी उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का आज चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, उसमें आप अध्यक्ष चुने गए हैं, आपने शानदार जीत दर्ज कराई है, क्या प्रयास रहेंगे अब आपके? सबसे पहले तो मैं अपने राशन डीलर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं और अब ये प्रयास रहेगा कि आगे जितनी भी समस्याएं आती हैं हमारे राशन डीलरों से उनका बहुत बढ़िया तरीके से उनके समस्या का हल किया जाएगा और हमारी कमेटी यही प्रयास रहेगा कि किसी भी डीलर भाई को कोई परेशानी ना हो। कितने वोट मिले हैं आपको? हमें 153 वोट पड़े, 144 वोट से हम गांधी जीत।
महामंत्री पद के लिए आप निर्विरोध चुने गए हैं, क्या आपके प्रयास रहेंगे और क्या कहना चाहते हैं? सब साथ हूँ, जो भी समस्या आएगी उसका मैं समाधान करवाऊंगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। साथी राशन डीलरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई साथी डीलरों के लिए कोई परेशानी नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम हल करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। इस मौके पर खास और सराहनीय बात ये देखी गई कि जिस समय राशन विक्रेता नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए भंगड़े की थाप पर थिरक रहे थे, तो अध्यक्ष पद के लिए दूसरे स्थान पर रहने वाली रेखा रानी गुप्ता और उनके पति प्रमोद गुप्ता भी भंगड़े की थाप पर थिरकते दिखाई दिए। इस मौके पर दीपक मेहरोत्रा, सविता रानी, होरीलाल मुन्नालाल, गजेंद्र सिंह, विपिन कुमार, रमेश गुप्ता, मजहर अली, रेहान खान और सलमा बेबी सहित अनेक राशन विक्रेता मौजूद रहे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्षदगण प्रशांत कुमार एवं गजेंद्र कुमार को भी देखा गया। चुनाव संचालन समिति के सदस्य हादी मुमताज अंसारी, दिनेश कुमार ठाकुर, एसके जौहरी और रोहताज राजपूत ने शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न होने पर सभी राशन विक्रेताओं का आभार जताया और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी।